We all have two lives. The second one starts when we realize we only have one. Hello and welcome back to the channel, everyone. Mera naam hai Manchu. Aap dekh rahe ho Powerhouse Effect. Let's talk cinema. कल का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा है मेरे लिए. तीन बैक टू बैक मूवीज देखी हैं, गेम ओवर, MIB इंटरनेशनल एंड जॉन विक 3 फाइनली. तो अब मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने इन तीनों मूवी का रिव्यू करने के लिए. फिलहाल इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा गेम ओवर का. टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी. बहुत ही गजब की मूवी बनाई है ये. सबसे मेन कैरेक्टर इस मूवी का है तापसी पन्नू, एंड ये टोटली वुमन लेड मूवी है. इस मूवी में एक एक्ट्रेस और हैं जिनका नाम है संजना नटराजन. उनका रोल बहुत कम है, लेकिन इस मूवी को कैरी ऑन करने के लिए उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जो मैंने टीजर देख के प्रेडिक्शन किया था अपने वीडियो में, वो पूरा ही रॉन्ग हो गया है. क्योंकि टीजर में ऐसा लगा था कि ये मूवी काइंड ऑफ ट्रैप्ड या पीहू जैसी होगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेन कैरेक्टर होता है एंड बाकी जो भी इंसिडेंसेस होते रहते हैं उनके साथ होते हैं, बाकी कोई कैरेक्टर का फेस तक नहीं होता, हार्डली किसी का फेस होता है. सो ऐसा नहीं है, ये मूवी टोटली डिफरेंट है. आप इस मूवी की बिगिनिंग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. जो बिगिनिंग के शुरुआत के 2 या 5 मिनट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं जो इंटरवल के बाद होने वाला है उससे. फर्स्ट हाफ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस मूवी का, डिसेंट है, लेकिन वो पूरा बेसिस खड़ा करता है एक मॉन्यूमेंट. जो सेकेंड हाफ ने मॉन्यूमेंट बिल्ड किया है इस मूवी का, उसका जो बेसिस है वो है फर्स्ट हाफ. द एक्चुअल मूवी स्टार्ट इन द सेकेंड हाफ. तो अगर आप वो लोग हैं जिन्हें पॉपकॉर्न, पेप्सी या कुछ खाने का मन करता है इंटरवल के बाद, तो प्लीज़ मत करना ऐसी गलती. जो भी आपको खाना है, पॉपकॉर्न, पेप्सी लेना है, वो सब फर्स्ट हाफ में लेके ख़त्म कर दो, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपको एज ऑफ द सीट पे बैठना है लाइक दिस एंड मूवी एंजॉय करनी है. बिल्कुल स्क्रीन जो है ना उसमें घुस जाना है आपको, तभी जाके आपका पैसा वसूल होने वाला है इस मूवी में. लिटरली नेल्ड द सेकेंड हाफ. डायरेक्टर अश्विन सरावनन ने बहुत ही गजब का डायरेक्शन किया है. इट्स जस्ट सुपर्ब. मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं उनके लिए. राम कुमार काव्या एंड सुमन कुमार जी ने इस कहानी को लिखा है एंड बहुत ही अच्छे से लिखा है. थोड़ा सा लॉजिक कम है इस मूवी में, बट जिस तरह से इस फिक्शन को एक रियल इंसिडेंस से जोड़ के बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, इंस्पायरिंग है. इट ऑल्सो इंस्पायर्स ह्यूमन बींग टू फाइट फॉर देयर लाइफ. श्रुति मदन ने हिंदी डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं. एक मिनट के लिए भी ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये हिंदी मूवी नहीं है, तमिल मूवी है. अब बात करते हैं स्टोरी की. तो स्टोरी ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूँगा. तापसी पन्नू एक निक्टोफोबिक वुमन है जिन्हें अंधेरे से डर लगता है. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अंधेरा हो गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स उन्हें ऐसा लगता है. बीच में काटूंगा, बट बचपन में मुझे भी ऐसा कुछ होता था. अब तो नहीं है अंधेरे से डर, बट बचपन में मुझे बहुत डर लगता था अंधेरे से. आई फेल लाइक यू नो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है अंधेरे में, इट्स गॉन नाउ. बट ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं उस चीज़ को रिलेट कर पाया. क्यों होता था मेरे साथ वो आज तक नहीं पता चला, बट रियली दैट्स फोबिया इज डेंजरस. जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर सेकेंड हाफ में रखा गया है, इट्स रियली वेरी एंगेजिंग. आपको फोन देखने की इच्छा नहीं होगी, आपको कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको बस स्क्रीन में देखना है एंड जस्ट अमेजिंग. इस मूवी में लॉजिक बिल्कुल मत ढूंढिए, आप सिर्फ इस मूवी को एंजॉय कीजिए एक थ्रिलर के रूप में. और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर बार की लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि मेरी फेवरेट मूवी है एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप समझ पाएंगे कि लॉजिक तो उस मूवी में नहीं था, लेकिन कितनी खूबसूरत मूवी होती. वैसे ही इस मूवी में लॉजिक इतना नहीं है, बट
जिस तरह से इस मूवी को बताया गया है वो बहुत ही गजब है। तापसी ने जिस तरह की एक्टिंग इस मूवी में की है, पर्सनली आई फील शी डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस मूवी, और उन्हें नहीं मिला तो गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत ही गजब की है, आप ज़रूर ज़रूर देखो इस मूवी को। आपको जिस लैंग्वेज में इस मूवी को देखना है आप देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बट प्लीज़ इस मूवी को मिस मत करना। ये एक इंडियन सिनेमा का ट्रेजर है जिसे सभी को देखना चाहिए, एंड आई विल बी रियली हैप्पी कि ये मूवी सुपर हिट हो जाए। तो मैं इस मूवी को देता हूँ 4 out of 5 stars। ये मूवी मस्ट वॉच है सभी के लिए जिन्हें थ्रिलर मूवी बहुत पसंद आती है। तो बस यही था मेरा आज का रिव्यू गेम ओवर के लिए, बाकी सब रिव्यू आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो देखना मत भूलना। जब तक के लिए प्लीज लाइक कर दो यार, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पर। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।